जोधपुर में आसाराम की कथा जारी है। हम सीधे चलते हैं अपने संवाददाता रजत राकेश टंडन के पास जो जोधपुर में मौजूद हैं और इस खबर पर काफी पहले से लगे हुए हैं। रजत, आपसे सीधे जानना चाहेंगे एक बात कि चार घंटे तक पूछताछ हुई, मढ़ाई आश्रम ले जाया गया आसाराम को, क्या आसाराम ने सवालों के जवाब दिए? पुलिस वालों को भी उनका प्रवचन सुनना पड़ा? देखिए, कई अहम सवाल थे कि आपने पुलिस का जवाब था, पुलिस ने कई सवाल किए, लगातार इंटरोगेशन चल रही। तो जब से आप कह सकते हैं कि इंदौर से ला रहे हैं, लगातार पुलिस पूछताछ कर रही है। राजीव, कल इंडिया न्यूज की एक्सक्लूसिव खबर थी कि सवाल क्या पूछे गए। सबसे पहला सवाल था कि आपने ऐसा क्यों किया, तो आसाराम का जवाब था, मैंने कुछ नहीं किया। बड़ा सवाल यह था कि जिसने आरोप लगाया है, पुलिस ने जब पूछा ये बात कि जिस व्यक्ति ने आरोप लगाया वो आपका 14 साल पुराना शिष्य है, तो उसने साफ तौर पर आसाराम ने कहा कि मेरा शिष्य जरूर है लेकिन ये किसी की साजिश है। फिर पूछा गया कि आपने उस नाबालिग लड़की को अपने आश्रम क्यों बुलाया था, तो आसाराम ने कहा कि मैंने नहीं बुलाया था, वो खुद आई थी। पुलिस ने पूछा कि आप मानते हैं कि आपने गलत किया है, तो आसाराम ने बिल्कुल चुप्पी साध ली। तो आप कह सकते हैं आसाराम ने अभी तक कबूल नहीं किया है कि उन्होंने कुछ गलत किया है, लगातार वो पुलिस का इस मामले में साथ दे रहे हैं, जो सवाल उनसे पूछे जा रहे हैं उसका जवाब दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया राजेश, रजत राकेश टंडन, सारी जानकारी के लिए। आप बने रहे हैं वहां पर क्योंकि अभी और भी सवाल पूछे जाने बाकी हैं आसाराम से, और उसके बाद कई कहानियों की कई सारी कड़ियां निकल के आएंगी। खबरें